जय हिंद बच्चों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल द की ऑफ मैथमेटिक्स क्लासेस में। बच्चों आज के इस वीडियो में बात करेंगे क्लास टेंथ का फिजिक्स का, जिसमें कि फर्स्ट जो चैप्टर है आपका प्रकाश का परावर्तन, उसका एक बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कि फोकस दूरी जो होता है किसी गोलीय दर्पण का वो वक्रता त्रिज्या की आधी होती है, तो इसका प्रूफ देखेंगे हम लोग आज इस वीडियो में। तो जैसे कि हम लोग का टॉपिक है कि अवतल दर्पण में सिद्ध करें कि f इक्वल्स टू r बाय 2, जहां f क्या है, छोटी f है, ये स्मॉल f रिप्रेजेंट करता है फोकस दूरी को और ये कैपिटल R रिप्रेजेंट करता है वक्रता त्रिज्या को, ठीक है। यानी कि किसी गोलीय दर्पण, तो गोलीय दर्पण में आपको कितना दो पार्ट होता है, अवतल दर्पण और उत्तल दर्पण, ठीक है। तो अवतल और उत्तल दोनों के लिए ये क्या है, ये जो स्टेटमेंट है ये हमेशा के लिए सत्य है कि फोकस दूरी वक्रता त्रिज्या की आधी होती है। इसका प्रूफ देखेंगे हम लोग। तो जैसे हम लोग पहले यहाँ पे एक अवतल दर्पण बनाते हैं, ध्यान दीजिएगा। मान लिया जाए यही कोई अवतल दर्पण है, ठीक है। तो इसका जो है, इसमें आपका जो है क्या होगा कि परावर्तित सरफेस जो होगा जिसमें प्रकाश रिफ्लेक्ट होगी तो वो इस साइड होता है, इसलिए इसका ऑपोजिट साइड में क्या होगा, आपका पेंट किया हुआ या फिर कलई किया हुआ, पॉलिश किया हुआ रहता है। आप देखे होंगे दर्पण में एक साइड क्या होता है, आपका पेंट किया हुआ रहता है, ठीक। इसी प्रकार से यहाँ पे ये है, ये अवतल दर्पण है, इसका जो रिफ्लेक्टिंग सरफेस है इस साइड है, यानी प्रकाश जो आम जान करेगी टकरा करके जो आएगी तो वो इस भाग मतलब इस हिस्से में होगी, ठीक है, और ये इसका पीछे वाला पोर्शन हो गया। अब गौर से देखिए यहाँ पे, जैसे ये इसका पोल है, पोल बोले तो ध्रुव, जिसको कि पी से रिप्रेजेंट करते हैं, तो ये एक लाइन पास होगी पोल से होते हुए, ये इस पोल से होते हुए जो लाइन पास होती है उसको हम लोग बोलते हैं मुख्य अक्ष, ठीक है। ये है, ये इसका मान लिया जाए फोकस दूरी है, सॉरी फोकस दूरी यहाँ ले लेते हैं, यहाँ पे सी ले लेते हैं, ठीक है। ये तो, और इसको नाम दे देते हैं, सपोज अवतल दर्पण है तो एस या कुछ भी ले लेते हैं, ठीक है। तो ये हम लोग का अवतल दर्पण, इस पर तीन पॉइंट है, पॉइंट पी को पढ़ते हैं हम लोग ध्रुव, याद रखिएगा, और एफ, एफ जो है देख रहे हैं यहाँ पे, इसको बोलते हैं फोकस, फोकस मतलब फोकस बिंदु, फोकल पॉइंट इंग्लिश में कहते हैं। फिर सी है यहाँ पे आपका सेंटर, सेंटर ऑफ सेंटर ऑफ दिस मिरर, यानी कि इस दर्पण का क्या ये सेंटर है, और इस सेंटर को हम लोग बोलते हैं वक्रता केंद्र, क्या बोलते हैं इसको, वक्रता केंद्र। अब ध्यान दीजिए, अब एक हम लोग किरण लेते हैं, मान लीजिए यही कोई आपतित किरण ए है, ए बी है, यहाँ ले लेते हैं, ये आपतित किरण ए बी है, या ए बी क्या आपका आपतित किरण है, जो दर्पण पर पड़ने के बाद कहां से फोकस पास करेगी, तो फोकस से, ये अपना एक नियम होता है कि कोई भी प्रकाश की किरणें दर्पण से रिफ्लेक्ट होने के बाद वो हमेशा फोकस से ही पास करती है, ठीक है। तो ये हो गया, अब तो ए बी क्या हम लोग का आपतित किरण है, और बी एफ हो गया हम लोग का परावर्तित किरण, ठीक है। इसके अलावा हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे सी से बी पर एक तरह से कहिए कि लम्ब डालेंगे, यहाँ पे ये, ठीक है, लम्ब डाल दिए, इस लम्ब को हम लोग बोलते हैं क्या, इसको आगे एक्सटेंड कर दीजिए, तो इसको बोलते हैं हम लोग अभिलम्ब, ठीक है, इसको क्या बोलते हैं अभिलम्ब। तो ध्यान दीजिए, ये आपतित किरण और ये अभिलम्ब के बीच बनने वाला जो एंगल होता है उसको हम लोग कहते हैं क्या, आपतन कोण, जिसको कि आई से रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। उसके बाद दर्पण से टकराने के बाद जो किरण गई है वो बी एफ किरण है, परावर्तित किरण। तो परावर्तित किरण और अभिलम्ब के बीच जो एंगल बनेगा उसको हम लोग कहेंगे एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, यानी कि परावर्तन कोण, और एंगल ऑफ इंक्लिनेशन यानी कि आई जो है वो आपतन कोण होता है। तो ध्यान रखेंगे इन सब चीज़ों को। उसके बाद देखिए यहाँ पे, तो ए बी हो गया आपतित किरण, बी एफ हो गया परावर्तित किरण, और बी सी हम लोग का अभिलम्ब हो गया, इसलिए ये वाला कोण आपतन कोण, ये वाला कोण परावर्तन कोण। आपतित किरण अभिलम्ब के बीच बनने वाला कोण आपतन कोण होता है, और परावर्तित किरण और अभिलम्ब के बीच बनने वाला कोण क्या होता है आपका, तो आपका हो जाता है परावर्तन कोण, ठीक है। एस क्या है, अवतल दर्पण है, ए बी क्या है, आने वाली किरणें अर्थात आपतित किरण है, बी एफ क्या, परावर्तित किरण है, ठीक है। पी क्या यहाँ पे, तो पी को बोलते हैं ध्रुव, है ना, पी को बोलते हैं ध्रुव, और एफ को क्या बोलते हैं, फोकस बिंदु, सी को क्या बोलते हैं, वक्रता त्रिज्या। तो ध्यान दीजिए, ध्रुव से फोकस बिंदु तक की दूरी को ही हम लोग कहते हैं फोकस दूरी, जिसको कि स्मॉल एफ से रिप्रेजेंट करते हैं। उसके बाद ध्रुव से वक्रता केंद्र तक की दूरी को हम लोग क्या कहते हैं, वक्रता त्रिज्या, जिसको कि आर से सूचित करते हैं, ठीक है। देखिए तो यहाँ पे इन सारी चीजों को लिखेंगे हम लोग, लिखेंगे माना कि ए बी आपतित किरण है, किरण तथा
बी एफ परावर्तित किरण है, किरण है ए बी आपतित किरण तथा बी एफ क्या आपका परावर्तित किरण है, ठीक है। और बी सी क्या है आपको दर्पण पर खींचा गया अभिलंब है, अभिलंब है, ठीक है, अभिलंब है। तो बी सी क्या हो गया आपका अभिलंब है, इसीलिए इसीलिए एंगल कौन सा ए बी सी को हम ए बी सी, तो ए बी सी को हम लोग जो है आई से सूचित करते हैं और इसको बोला जाता है आपतन कोण, आपतन कोण। उसके बाद ये वाला एंगल, ठीक है। तो सी बी एफ, एंगल सी बी एफ ये है आपका, इसको आर से रिप्रेजेंट करते हैं, तो ये है आपका परावर्तन कोण, परावर्तन कोण, ठीक है। तो ए बी सी को आपतन कोण और सी बी एफ को बोलेंगे परावर्तन कोण, ठीक है। चलिए अब हम लोग क्या देखते हैं यहाँ पे, ध्यान दीजिए कि जब किसी दर्पण पर ये आपका जो है आपतित किरण रिफ्लेक्ट होकर के सेम एंगल से दूसरे साइड जाती है परावर्तित किरण और दोनों के बीच ये जो अभिलंब खींचते हैं तो इस एंगल को बोलते हैं हम लोग जो है आपतन कोण और इसको बोलते हैं परावर्तन कोण, ठीक है। तो लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन कहता है, प्रकाश के परावर्तन का नियम कहता है ये जो आपतन कोण होता है वो परावर्तन कोण के बराबर होता है, दैट मीन्स आई इक्वल्स टू आर होता है, है ना। क्या होता है आई इक्वल्स टू आर, परावर्तन का नियम क्या कहता है, प्रकाश के परावर्तन का नियम कहता है कि आपतन कोण परावर्तन कोण के बराबर होता है। यहाँ पे लिखेंगे हम लोग प्रकाश के परावर्तन के नियम से, प्रकाश के परावर्तन के नियम से क्या हो जाएगा, एंगल ए बी सी इक्वल्स टू एंगल सी बी एफ इक्वल्स टू आई, आई या फिर आर कुछ भी दे सकते हैं, ठीक है, इसको रहने देते हैं। अब आगे बढ़ते हैं, अब देखिए ध्यान देंगे यहां पे थोड़ा सा कि ए बी जो देख रहे हैं ए बी क्या है आपका पी सी का समांतर है, ठीक है। यहां पे लिखेंगे चूंकि ए बी समांतर है पी सी, और देखिए बी सी किसका काम कर रहा है आपका तिर्यक का काम कर रहा है, तथा बी सी क्या आपका तिर्यक है, तिर्यक रेखा रेखा है। तो जब बी सी आपका तिर्यक रेखा है तो गौर से देखिए ये वाला कोण, ये वाला कोण और ये वाला कोण क्या हो जाएगा एकांतर कोण हो जाएगा, अल्टरनेट एंगल हो जाएगा, और एकांतर कोण क्या होता है बराबर होता है। तो यहां पे लिखेंगे इसीलिए एंगल ए बी सी बराबर एंगल बी सी एफ, क्यों, क्योंकि एकांतर कोण है, यहां पे लिख दीजिए एकांतर कोण। चलिए अब गौर से देखिए ए बी सी एंगल जो है यहाँ सी बी एफ के बराबर है और वही ए बी सी एंगल क्या यहाँ बी सी एफ के बराबर है। इसका मतलब हो ना हो कि यदि ए बी सी सी बी एफ के बराबर है और ए बी सी बी सी एफ के बराबर है तो हो ना हो बी सी एफ किसके बराबर होगा सी बी एफ के, ऐसे भी जानते हैं एल एच एस बराबर तो आर एच एस बराबर ही होगा। यहाँ पे लिख दीजिए देयरफॉर एंगल सी बी एफ इक्वल्स टू एंगल बी सी एफ, ठीक है। दैट इज तो सी बी एफ, सी बी एफ को एंगल बी कह सकते हैं और बी सी एफ को, बी सी एफ को एंगल सी कह सकते हैं, एंगल सी कह सकते हैं। इत्मीनान से धीरे धीरे समझा रहे हैं, बढ़िया समझिए, और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपका बोर्ड एग्जाम के लिए। तो कौन बी जो है सी के बराबर हो गया। अब बात करते हैं हम लोग त्रिभुज बी सी एफ में, है ना। अब क्या बात करते हैं त्रिभुज बी सी एफ में, बी सी एफ में क्या देखेंगे ध्यान दीजिए, हम लोग बी सी एफ त्रिभुज में देख रहे हैं कि दो कोण इसका क्या है बराबर है। तो जब दो कोण बराबर होगा तो जाहिर सी बात है तो त्रिभुज का प्रॉपर्टीज कहता है कि यदि किसी त्रिभुज में दो कोण बराबर हो तो उसका सम्मुख भुजा भी बराबर होता है, ठीक है। यहाँ पे लिखेंगे त्रिभुज बी सी एफ में, बी सी एफ में कोण बी बराबर कोण सी है, देखिए यहाँ पे है तो इसीलिए इसका सम्मुख भुजा, तो बी का सम्मुख भुजा कौन हुआ अपोजिट साइड, तो बी का तो ये हो जाएगा सी एफ, तो सी एफ बराबर हो जाएगा आपका सी का सम्मुख, तो बी एफ, तो सी एफ बराबर हो गया आपका बी एफ। चलिए यहाँ तक ठीक है। तो यानी कि कोण बी का जो सम्मुख भुजा सी एफ है वो बराबर हो जाएगा कोण सी का सम्मुख भुजा बी एफ का, त्रिभुज किस में, त्रिभुज आपका है बी सी एफ में, ठीक है। चलिए तब आगे बढ़ते हैं इसमें थोड़ा सा। अब जरा सोचिए एक एक यहाँ पे हम लोग एक्सपेरिमेंट करते हैं कि यदि पॉइंट बी है ना, पॉइंट बी यहाँ ना होकर के यदि पी पर रहता, या यूँ कहे कि दर्पण यदि इस तरह से लिया जाता कि दर्पण का जो है
छोटा सेक्शन लिया जाता, इस तरह से मान करके चलते जो इसका आर्क बना हुआ वो कुछ इस प्रकार का सीधा रहता, तो पॉइंट बी और पॉइंट पी क्या हो जाता, सेम पॉइंट पर लाई करता, अर्थात पॉइंट पी से एफ का जो दूरी है पॉइंट बी का एफ से दूरी क्या हो जाता, सेम हो जाता है कि नहीं है। यानी कि यदि यहाँ पे पॉइंट बी यहाँ ना होकर के पी के करीब करीब होता, अर्थात ई पॉइंट इसका कोइंसिडेंस होता, यानी इसी जगह पर स्थित रहता, तो दोनों बिंदु का जो बीच का डिस्टेंस है क्या हो जाता, बराबर हो जाता। उसी फैक्ट को यहाँ पे हम लोग लिख लेंगे, थोड़ा सा लिखेंगे, देखिए यदि बिंदु P के करीब करीब हो तब, ध्यान दीजिए, यदि बिंदु P के करीब करीब हो जाएगा तो B यदि यहाँ आ जाएगा तो क्या हो जाएगा, PF बराबर BF हो जाएगा। यानी कि ये जो PF दूरी है वो किसके, BF के क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा। सिंपल सा है, पी एफ दूरी जो है वो बी एफ दूरी के क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा। और हम लोगों को यहाँ क्या मिला कि वही बी एफ दूरी किसके बराबर है, सी एफ के बराबर है। तो इसीलिए यहाँ पे जो है पी एफ जो है आपका सी एफ के बराबर हो जाएगा। पी एफ किसके बराबर हो जाएगा, सी एफ के, क्यों, क्योंकि पी एफ बराबर बी एफ और वही बी एफ किसके बराबर है, सी एफ का, अर्थात पी एफ जो है क्या हो जाएगा, सी एफ हो जाएगा। ठीक है, अब ध्यान दीजिए, अब देखिए यहाँ पे, अब यदि बात करें पी सी दूरी का, तो पी सी दूरी को, तो पी सी दूरी को हम लोग क्या लिख सकते हैं, तो पी सी दूरी को लिख सकते हैं पी एफ प्लस सी एफ, क्या लिख सकते हैं, पी एफ प्लस सी एफ, पी एफ प्लस सी एफ। ठीक है, तो गौर से देखिए, तो पी एफ, अच्छा तो सी एफ आपका क्या है, सी एफ भी पी एफ है, पी एफ तो पी सी बराबर टू पी एफ हो गया। ठीक है, और पी सी क्या है, ध्रुव से वक्रता केंद्र तक की दूरी को वक्रता त्रिज्या कहते हैं, दैट मीन्स आर, और यहाँ पे P से F तक की दूरी को, P से F तक की दूरी को क्या बोले, F बोले हैं, F बोले हैं, ये हो गया। तो therefore F equals to R by 2 हो गया, जो कि हम लोग को सत्यापित करना था। एक एक स्टेप वीडियो को रोक करके बारीकी से समझिए, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और हम अपना पूरा कोशिश किए कि आपको जो है क्लियर कट समझाने का। ठीक है, वीडियो को रोक रोक करके समझने का प्रयास कीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपका बोर्ड एग्जाम के लिए 5 मार्क्स के लिए पूछा जाता है।